आई है, हमारे भाई की हत्या होती है, हमारे शुभचिंतन की हत्या होती है, उसके बाद हमें लोगों को पकड़ कर जब रखा जाता है, हम क्या करेंगे? क्या लग रहा कि अभी जैसे पेशी मेडिकली अनफिट है, एम्स के डॉक्टर ने भी मुन्ना भदरंगी को कह दिया, यकीन है कि उनके साथ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह जेल से बाहर लाया जाए और उनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए। कौन लोग रच रहे हैं ये फर्जी साजिश? ये फर्जी साजिश हमारे यूपी एसटीएफ और पुलिस और जो हमारे सफेद पोश नेता हैं, कुछ प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो अपने निजी व्यक्तिगत लाभ के लिए भी जो है चाहते हैं कि इनकी हत्या हो जाए और उसके तहत इन लोगों का ये प्लानिंग चल रही है कि इनको कैसे भी बाहर लाया जाए। अभी बागपत का ही केस है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बागपत के केस में इनका हमारे पति का कोई भी हाथ नहीं है। अगर उनको कुछ साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं तो वो एक मोबाइल है, उस मोबाइल के थ्रू उनको ये पता चला कि किसी ने इनके नाम से धन वराही की है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले उस मोबाइल का ले जा करके वॉइस उसका जो आवाज़ है उसकी पुष्टि करें कि वो इन्हीं की आवाज़ है, और अगर वो पुष्टि हो जाती है तब केस में उनको वहाँ ले जाए, उनके खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया जाता है कि उन्हें जो है वहाँ जाना पड़ेगा। और भी वारंट जारी करने का बताइए कैसे भी वारंट जारी कर सकते हैं जब कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी वारंट कैसे निकाल सकते हैं? बस वो सिर्फ यही चाहते हैं कैसे भी उनको यहाँ से निकाल कर ले जाया जाए। इसी वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उन्हें कई तरह की बीमारियाँ हैं, जैसे सर्वाइकल है, ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, और आर्थरों की भी प्रॉब्लम है और कुछ मानसिक भी है। तो इस तरीके की बीमारियों के वजह से उनका न्यायालय के आदेश पर एम्स के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके द्वारा जो है उनका इलाज चल रहा है। इसके बावजूद भी वहाँ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा वहाँ जाते हैं, झांसी जेल में वहाँ जाकर अपने बाहरी डॉक्टरों को लेकर के उनका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवा के वो भी दिन में एक नहीं दो नहीं तीन बार टेस्ट करवाया जाता है और कहा जाता है कि इनको फिट और फाइन रहा जाए, जिससे कि हम इनको बाहर ले जाकर 10 दिन 20 दिन 15 दिन महीने भर या जैसे भी कहीं छुपा कर रखें और उसके बाद इनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए।